नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं आपके साथ डेली जुड़ता हूं एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। आप लोगों के लिए यहां पर बेहतरीन सेशन लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आए, सेशन को शेयर करें। माफी चाहता हूँ कि आज क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गई है, क्लास थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा ज्यादा भी है। तो आप सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को एक बार शेयर करें। यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। नमस्कार प्रणाम, सभी साथीगण जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे। कौन कौन मित्र हमारे लाइव हैं यहां पर जल्दी से बताइए। क्या क्लास आप लोगों तक मेरी चल पा रही है, जल्दी से बताइए। सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मोना मिश्रा जी, मिस्टर एंड मिसेज गुज्जर जी, नमस्कार प्रणाम सभी साथियों को। तो एक बार जल्दी जल्दी से लाइव आए, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सेशन आज का होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, चलिए सभी साथीगण जल्दी से लाइव आए, सेशन को शेयर करें। कौशल जयसवाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को प्रणाम। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को एक बार शेयर करें। माफी चाहता हूं आप लोगों से, ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है शायद क्लास में, क्रैक यू। चलिए, क्या क्लास अभी आप लोगों को लाइव दिख रही है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या क्लास अभी आप लोगों को लाइव दिख रही है। यहाँ पर अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नमस्कार प्रणाम सभी साथियों को, जल्दी जल्दी से आ जाएं, सेशन को एक बार शेयर कर दें सभी साथीगण। बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए, ये नया अनाउंसमेंट है UPPSC एंड UP SSSC के द्वारा, न्यू अनाउंसमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार शेयर करेंगे। आप लोग मेरे मित्रगण देखिए, 12 महीने का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको यहाँ पर 3 महीने का कॉम्बो फ्री मिल रहा है। तो सभी साथीगण सेशन को शेयर करें। पता है UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर चल रहा है, ये 11 बजे होता है एवरी संडे, सुबह 11 बजे होता है एवरी संडे, जिसमें 1 रैंक पर, 2 से 3 रैंक पर, 4 से 25 रैंक पर 100%, 50% और 25% स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आप लोगों का टेस्ट पैटर्न है GS के 150 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश भाषा में। मैक्सिमम 200 मार्क्स मिलेंगे, ड्यूरेशन इसका 120 मिनट का है, और गलत उत्तर यदि आप देते हैं तो उसके लिए आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो 0.33% यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से सेशन को प्लीज शेयर करें, जल्दी से इसको शेयर कर दें ताकि हमारे मित्र जल्दी से आ जाएं। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यहां पर UPPSC एंड UP SSSC गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को यहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोग भैया जल्दी से आएं, सेशन को शेयर करें। इसका टाइमिंग 8 बजे होता है, लेकिन ट्यूजडे में इसका टाइम 7:30 बजे है। टेस्ट का डिस्कशन 8:30 बजे, लेकिन ट्यूजडे में 8 बजे इसका डिस्कशन रहता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, बेहतरीन तरीके से सभी मित्रगण टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से ये टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर यदि आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस फीचर्स के साथ जाते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, कम्प्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस होता है। सभी साथीगण यहाँ पर ध्यान देंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर होगी, रेगुलर डाउट सेशंस आपके रहेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। उम्मीद है स्टडी PDF मटेरियल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, आंसर राइटिंग आपको मिलेगी, शानदार गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठाकुर देव राजपुताना जी, नमस्कार प्रणाम सभी दोस्तों को। प्रगति UPPSC RO ARO ये आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, प्लस टेस्ट सीरीज है, 19 जून से स्टार्ट हुई और 25 जुलाई तक चलेगी। यहाँ पर यदि आप अजीत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको भैया यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस के बारे में बताना चाहता हूँ, आदित्य जी नमस्कार प्रणाम। विजयपथ GS पेपर 3rd
जीएस पेपर थर्ड का आंसर राइटिंग वाला पेपर है, इसके लिए बैच स्टार्ट हुआ है 18 जून से, हमारे टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए 2022 12 महीने को टारगेट किया है, जिसमें प्री और मेंस को टारगेट करके 23 जून से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये आज से स्टार्ट हो जाएगा। डीके पटेल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर। सभी साथीगण जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करें। यूपीपीएससी एंड अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, बहुत शानदार कोर्सेज आप लोगों के लिए चल रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन पर आपको ऑल कोर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने पैट का कोर्स ले लिया तो आप ये सभी कोर्स एक ही कोर्स पर पढ़ सकते हैं, एक ही कोर्स में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यहाँ पर अजीत लाइव कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक महीने, तीन महीने, छह महीने, 12 महीने, 24 महीने में। देखिए अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं तो 2 महीना फ्री है, यानी कि 14 मंथ आपको कितने रुपए में मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर 6300 रुपए में, क्योंकि आपने अजीत पर लाइव कोड यूज किया था, 10% डिस्काउंट। यहाँ पर 27 महीने हो जाएंगे, 3 महीने फ्री, तो 27 महीने आपको कितने में मिल रहे हैं, तो 7560 रुपए में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। प्रदीप कुमार जी प्रणाम भैया, प्रणाम सभी साथियों को प्रणाम। सुपर कॉम्बो आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। यहाँ पर भी आप यदि अजीत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नमस्ते प्रणाम भैया, प्रदीप कुमार जी प्रणाम माय डियर ब्रदर। तो आप लोग प्लीज इसको देखें, ये हमारा भैया यूट्यूब चैनल से आप लोग सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल है आप लोग उनको सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं आज यहाँ पर कराऊंगा 1857 की क्रांति, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, है ना जी। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहूंगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो साइड थी, जो साइड नहीं चल रही थी, आज सुबह से साइड चलने लग गई है, आज सुबह से साइड चलने लग गई है, जिसकी फी अभी नहीं कटी हुई है, जिसकी फी अभी सबमिट नहीं हुई है, प्लीज फी कट करा लीजिए, क्योंकि साइड 2-3 दिन से नहीं चल रही थी, आज सुबह से ये साइड चलने लग गई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आज सुबह से ये साइड, 3 दिन से ये साइड क्रैश चल रही थी, लेकिन आज सुबह से ये साइड चलने लग गई है, और ये 25 जून तक चलेगी, कब तक, 25 जून तक। तो ये आप लोगों के लिए मौका है, आप लोग जो फॉर्म भरा था लेकिन फीस नहीं कट करा पाए थे, तो आज उनके पास सुनहरा मौका है, आप लोग फीस कट करवा सकते हैं। ठीक है जी भैया, समझ गए आप मेरी बात, कि सर जिन्होंने फीस नहीं कटवाई थी लेकिन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो वो आज फीस सबमिट कर सकते हैं, आप लोगों के पास मौका है। ठीक है, और ये मौका आपके पास 25 जून तक रहेगा, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सर द रिवॉल्ट इसको बोल सकते हैं, इसको क्रांति बोलें, या इसको भैया 1857 का विद्रोह बोलें, 1857 का विद्रोह बोलें। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, 1857 का विद्रोह, जिसे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब हम बात करेंगे सर, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके कारण क्या थे, इसके क्यों हुई थी, क्या कारण थे, क्या अचानक से ये क्रांति होने लग गई थी, या कोई सोचा समझा परिणाम था, या इसकी रणनीति काफी टाइम से बनाई जा रही थी। ये अचानक से होने वाली क्रांति नहीं थी, इसके बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे कारण थे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, इसके कारण क्या थे, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो आप कहेंगे सर इसका राजनीतिक कारण था, क्या था भैया, राजनीतिक कारण था। आप कहेंगे सर राजनीतिक कारण था, और भैया कौन सा कारण था, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे सर, राजनीतिक कारण के साथ साथ आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर प्रशासनिक कारण भी था, कौन सा भैया, प्रशासनिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रशासनिक कारण के साथ साथ यहाँ पर आप लोग कहेंगे सामाजिक, में एक एक करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि क्या पता कौन सा पूछ ले, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी था, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी थे, और भैया कौन से कारण थे, तो आप कहेंगे सर आर्थिक कारण भी इसके जिम्मेदार थे, आर्थिक कारण भी इसके जिम्मेदार थे।
कि सर और कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार थे, तो सैन्य कारण भी जिम्मेदार था। सैन्य कारण भी भैया इसके लिए जिम्मेदार था। कि सर इसका मुख्य कारण कौन सा बना, मुख्य कारण कौन सा बना, तो आप लोग कहेंगे सर मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। कौन सा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। आप लोग ध्यान से सारी चीजें लिखना, कारतूसों का प्रयोग। मैं आज यही चीजें आप लोगों को कराऊंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में कराता चलूंगा। बस कोशिश यही करना कि सभी साथीगण सेशन को इतना शेयर कर दें ताकि और भी मित्र जल्दी जल्दी से साथ हमारे जुड़ जाएं। और साथीगण जो आज लाइव नहीं है, प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दें। और आप लोग ध्यान रखना, जिसने यूपी ट्रिपल एससी पैट का फॉर्म भरा था, जिसकी फीस कट नहीं हुई थी, आज सुबह से साइट द्वारा से चलने लग गई है, ठीक है, आप लोग फीस अपनी सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो सर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर 1857 के विद्रोह के कारण, एक एक मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, फिर ये विद्रोह कहाँ पर हुए, किसने नेतृत्व किया और किसके द्वारा विद्रोह को कुचला गया, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सर राजनीतिक कारणों की। किसकी मैं बात करूं? राजनीतिक कारणों की। आप लोग कहेंगे सर राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि सर राजनीतिक कारण क्या क्या थे। देखिए 1857 में बेले जली के द्वारा क्या किया जाता है, आप लोग प्लीज मेरी बात रखें। 1857 की क्रांति का एक बहुत पुराना कारण निकल कर आया कि सर 1857 की क्रांति का जो यहाँ पर कारण, सबसे पहला कारण माना गया। गुड मॉर्निंग पुलकित कौशिक जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला कारण माना गया कि सर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सॉरी बेले जली के द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई। यहाँ पर राजनीतिक कारण मैं दो प्रकार से बताता हूँ कि सर राजनीतिक कारण में दो प्रकार सबसे पहले माने गए। एक तो 1798 में लागू सहायक संधि। कौन सी भैया? सहायक संधि। आप लोग कहेंगे सर सहायक संधि का क्या मतलब है यहाँ पर? सहायक संधि तो 1798 में थी और यहाँ पर था एक 1848 में डलहौजी, 1848 में लागू व्यपगत का सिद्धांत। किसका? व्यपगत का सिद्धांत कह सकते हैं हम इसको, व्यपगत का सिद्धांत। आप लोग कहेंगे सर ये क्यों, ये सिद्धांत किसका था? तो ये डलहौजी का था। किसका था जी? ये डलहौजी का था। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि भैया जब सहायक संधि स्टार्ट हुई थी तो भारतीय राजाओं को अंग्रेजी सेना अपने पास किराए पर रखनी पड़ती थी। उसका सार प्रदीप जी पीडीएफ हमारे यूपी एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, यूपी एग्जाम्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर ज्यादा फोकस करें नोट्स बनाने में, है ना। नमस्ते ट्विंकल जी। तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये सर राजनीतिक कारण थे कि सर कंपनी की जो सेना थी उसको भैया राजा महाराजा अपने पास रखते थे, उनका खर्चा खाना पीना सब राजाओं के द्वारा किया जाता था। व्यपगत का सिद्धांत था जिसको डलहौजी ने लागू किया था, इसके द्वारा राज्य हड़पने की नीति भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। किसकी? राज्य हड़पने की नीति भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हड़पने की नीति भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति एक गुस्से की भावना पनप रही थी और इस गुस्से को अंतिम रूप दिया जब चर्बी वाले कारतूस आ गए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सर जो प्रशासनिक कारण है कि सर प्रशासनिक कारण क्या रहे, कि सर प्रशासनिक कारण बताइए कि प्रशासनिक कारण क्या रहे थे। तो आप लोग कहिएगा कि सर प्रशासनिक कारण क्या रहे थे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से लिख लेना कि सर प्रशासनिक कारण में सबसे पहले आता है, आप लोग याद रखना, अंग्रेज थे अंग्रेजों को ज्यादा वैल्यू देना। भारतीय चाहे कितना भी काबिल है लेकिन उसको प्रशासनिक सेवाओं में अवसर नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर याद रखना जो भारतीय थे, कौन थे मेरे साथियों? भारतीयों को, किसको? भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में, इसमें प्रशासनिक सेवा में मौका ना दिया जाना, मौका ना दिया जाना। ये भैया
प्रशासनिक कारण था, ना दिया जाना ये प्रशासनिक कारण था। 1857 की क्रांति में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीयों द्वारा काबिल होने के बावजूद भी उनको प्रशासनिक सेवा में नहीं लिया जाता था, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रशासनिक कार्य ये था, अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से ऊपर मानते थे। जो अंग्रेज लोग थे, गुड मॉर्निंग स्टडी जी, रोजगार विद पवन जी नमस्कार, तो आप लोग कहेंगे जो अंग्रेज थे, यहां पर मैं बात करूं अंग्रेजों को लेकर, अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में, किसमें, न्याय के क्षेत्र में स्वयं को भारतीयों से ऊपर मानते थे, स्वयं को भारतीयों से ऊपर मानते थे, भारतीयों से उच्च मानते थे, यानी कि जो अंग्रेज जज थे उच्च मानते थे। भारतीय जजों को अंग्रेजों पर अधिकार नहीं था कि वो उन पर मुकदमा चलाएं, उन पर फैसला दें, लेकिन अंग्रेज जजों को भारत के लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार भी था, लेकिन भारतीय जजों को अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा, आप लोग यहां पर जानते होंगे, ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, एक प्रशासनिक कारण ये भी था कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया भैया, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां समाप्त कर दी। यहां पर भैया एक कारण ये भी बना कि डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, डलहौजी द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो तंजौर है, तंजौर रियासत हुआ करती थी, कौन सी मेरे दोस्तों, तंजौर, आप लोग कहेंगे सर तंजौर, एवं जो कर्नाटक के नवाब थे, कहां के नवाब थे मेरे दोस्तों, कर्नाटक के, तो आप लोग कहेंगे सर कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां समाप्त कर दी थी, किसकी, नवाबों की उपाधियां समाप्त कर दी। जब उपाधियां समाप्त हो गई तो भैया वहां के लोगों ने, लोगों के मन में गुस्सा फूटा कि ये तो भैया अब हमारे नवाबों को, राजाओं महाराजाओं को भी भैया समाप्त करने लग गए, और अंतिम रूप यहां पर इस प्रकार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया भैया, लॉर्ड कैनिंग ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपमानित कर दिया, लाल किला खाली करने के लिए बोला और कहा कि जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह या बहादुर शाह के बाद, बहादुर शाह के बाद जितने भी उत्तराधिकारी होंगे वो मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे, वो केवल और केवल राजा कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग ने भैया बहादुर शाह को अपमानित किया, किसको, बहादुर शाह जो कि मुगल सम्राट था को अपमानित किया, क्या किया बेटा, इसको अपमानित कर दिया, अपमानित कर लाल किला खाली करने के लिए कहा। लाल किला, आप लोग कहेंगे सर लाल किला खाली करने के लिए बोला गया, खाली करने के लिए मजबूर किया गया, क्या किया गया भैया, मजबूर किया जाता है। जब लाल किला मजबूर कर दिया कि भैया लाल किला खाली कर दो, और ये कहा कि उत्तराधिकारी जो मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी होंगे वो केवल और केवल क्या कहलाएंगे, वो मेरे बच्चों राजा कहलाएंगे, वो मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे। यहां पर याद रखना, इसके जो उत्तराधिकारी होंगे कौन होंगे जी, जो इसके उत्तराधिकारी होंगे वो सम्राट नहीं कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे, सम्राट नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, सम्राट नहीं कहलाएंगे, तो भैया वो क्या कहलाएंगे, वो बेटा राजा कहे जाएंगे, क्या कहेंगे, वो राजा कहे जाएंगे, सम्राट नहीं कहे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे चीजें हैं ये सारी चीजें, उम्मीद है आप लोग अच्छे से लिख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। मिटा दूं क्या, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं इसको मिटा दूं, जो मेरे मित्र यहाँ पर देख रहे हैं मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग इसको ऐसे ही पढ़े, मेहनत करते रहे। कुमकुम मंजू कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय डियर, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे सामाजिक परंपराओं के बारे में, धार्मिक नीतियों के बारे में, क्या रीजंस रहे थे, क्यों भारत के लोगों ने इनका विरोध किया था, सामाजिक कारण क्या रहे थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर सामाजिक कारण क्या रहे, यहाँ पर लिख रहा हूँ सामाजिक कारण, कि सर सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण क्या रहे,
धार्मिक कारण क्या रहे? तो आप लोग कहेंगे सर सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण क्या क्या थे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि सर सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईसाई लोग थे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे, भारत के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जिससे कि ईसाई धर्म में भारत के लोगों को परिवर्तित किया जाए, नए नए लालच दिए जा रहे थे। इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर मैं बात करूं सर ये बहुत पुराना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1813 के जो चार्टर एक्ट था, कौन सा था जी, जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, एक्ट द्वारा भारतीयों को या भारत में, पहले तो हम लिखेंगे भारत में, ईसाई धर्म प्रचार करने की आजादी मिल गई थी। ईसाई धर्म प्रचार करने की आजादी मिल गई थी, किसकी, प्रचार की आजादी मिल गई थी, ठीक है जी, प्रचार की आजादी मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। सचिन जी नमस्कार, सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने देखा था बेटा आपका, आप आए थे एप्लीकेशन की क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि सर प्रचार की आजादी मिल गई, और एक और प्रमुख कारण था सर 1850 में धार्मिक निर्योगिता अधिनियम लाया गया, धार्मिक निर्योगिता अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया कि ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। इससे हिंदू समाज में भैया एक असंतोष की भावना आ गई। क्या बनाया गया यहाँ पर, यहाँ पर एक अधिनियम लाया गया, कौन सा अधिनियम था कि धार्मिक निर्योगिता, कौन सा अधिनियम था, धार्मिक निर्योगिता अधिनियम आ जाता है जी, क्या आ जाता है, अधिनियम आ जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि जो ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा, ऐसे भारतीय जो ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया सचिन जी, तो आप कहेंगे सर निर्योगिता अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, वह भारतीय जो ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे, किसको ग्रहण करेंगे, ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे। अभी तो मैं केवल डिटेल बता रहा हूं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया कि कहां पर हुआ था, किसका नेतृत्व किसने किया था। लाइव कोड है बेटा अजीत लाइव कोड आप लोग यूज कर लेना बेटा, ठीक है। ईसाई धर्म को, किसको, ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले, वह भारतीय जो ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा वह पैतृक संपत्ति में, मतलब पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति का अधिकारी होगा, संपत्ति का अधिकारी होगा। यानी कि ये लालच दिया गया है ना, ये लालच दिया गया, पहले तो भैया आप ईसाई धर्म स्वीकार करो, और आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया जाएगा, यानी कि आपके पिता में की संपत्ति में आपको तब हिस्सा मिलेगा जब ईसाई धर्म आप स्वीकार करेंगे। ऐसा कब किया गया कि सर 1850 में धार्मिक निर्योगिता अधिनियम लाया गया, ठीक है। उसके बाद भैया कुछ धार्मिक, ये यहाँ पर एक अधिनियम जो अच्छा मैं कह सकता हूँ, अच्छा मैं कह सकता हूँ सर 1856 में डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, डलहौजी द्वारा एक अधिनियम पास करवाया गया। डलहौजी के समय में क्या किया गया था भैया, एक अधिनियम पेश किया गया जिसे विधवा पुनर्विवाह कानून कहा गया, विधवा पुनर्विवाह कानून कहा गया। तो आप लोग याद रखना कि सर पुनर्विवाह, आप लोग यहां पर याद रखेंगे सर विधवा पुनर्विवाह कानून, विवाह कानून बनाया गया, ठीक है, कानून पेश किया गया। लेकिन बेटा इसको लागू किसने किया, तो आप कहेंगे सर इसको लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने, किसने, तो आप कहेंगे सर इसको लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो यहां पर आप लोग याद रखना किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तो आप लोग इसको याद रखना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे धार्मिक संस्कृति, जो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है, इसमें भी अंग्रेज लोग क्या करने लगे,
इंटरफेयर करने लग गए। इसलिए भैया ये आप लोगों से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर विधवा पुनर्विवाह कानून किसके समय में पेश किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसको लागू करने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था जी, लॉर्ड कैनिंग था। समझ गए कि सर इसके आर्थिक कारण क्या रहे। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि सर आर्थिक कारण क्या रहे थे। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, सर आर्थिक कारण की मैं बात करूंगा तो आर्थिक कारण में जैसे कि स्थायी बंदोबस्त था, रैयत वाड़ी व्यवस्था था, महल वाड़ी व्यवस्था था, इन्होंने किसानों का जमकर शोषण किया। क्या किया आर्थिक कारणों में, तो आप लोग कहेंगे सर जैसे कि स्थायी बंदोबस्त था। कौन सा बंदोबस्त था, तो आप लोग कहेंगे सर स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, बंदोबस्त। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1793 में। इसके बाद भैया आ जाता है रैयत वाड़ी। कौन सा आ जाता है जी, रैयत वाड़ी व्यवस्था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1820 में। इसी के साथ आता है महल वाड़ी। कौन सा आता है, महल वाड़ी। महल वाड़ी कब स्टार्ट हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1822 में। इन्होंने क्या किया गया, किसानों को जमकर लूटा। इन नीतियों के द्वारा किसानों को जमकर लूटा गया। क्या किया गया, जमकर लूटा गया। जब किसानों को भैया लूटा गया तो किसान जो है नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो। एक इंसान को आप कब तक परेशान करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किसान क्या करेगा, वो विद्रोह कर देगा। भले ही वो मारा जाए लेकिन वो घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि वो विद्रोह कर देगा। क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। ठीक है, हाँ जी सचिन जी बिल्कुल जी बेटा बिल्कुल। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसको प्लीज ध्यान दें, शानदार तरीके से आप लोग इसको लिखते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें मैंने आप लोगों को कराई हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कराई हैं बेटा। किसानों को लूटा। अब इसके बाद जो सबसे सबसे यहाँ पर मैं बात करूं बेटा, एक और कारण आता है आर्थिक कारणों में, मैं बात करूंगा सैन्य कारणों की मैं बात कर लेता हूं अभी। आप लोग जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले भी, लेकिन अभी आप लोग इनका रिविजन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि सर लास्ट कारण क्या था, सैन्य कारण, फिर हम विद्रोह पर आएंगे। सैन्य कारण था कि सर सैन्य कारण क्या था, सैन्य कारण मेरे साथियों ये था कि भैया अंग्रेज सैनिक कितने हुआ करते थे, अंग्रेज सैनिक एवं भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था। अंग्रेज सैनिक एवं भारतीय सैनिकों की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, भारतीय सैनिक, कि सर भारतीय सैनिक कितने थे और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था वो मेरे साथियों 5:1 था। यानी कि 5 अंग्रेज होंगे तो 1 भारतीय सिपाही होगा। ठीक है, यहाँ पर भेदभाव भी किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, भेदभाव किया जाने लगा। एक सबसे प्रमुख कारण ये बना कि लॉर्ड कैनिंग ने भैया क्या बना दिया, एक अधिनियम बनाया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा बेटा क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया था, तो आप कहेंगे सर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। यहां पर याद रखना, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। ये अधिनियम बनाया गया सर 1856 में। इसमें कहा गया कि किसी भी समय भैया सैनिकों को समुद्र पार जाने के आदेश मिल सकते हैं। यहाँ पर इसमें कहा गया कि किसी भी समय जो भारतीय सिपाही हैं उनको किसी भी समय सैनिकों को समुद्र पार जाने के आदेश मिल सकते हैं। सैनिकों को समुद्र पार, और भारत में समुद्र पार करना सामाजिक नीतियों के खिलाफ था, धार्मिक नीतियों के खिलाफ था। समुद्र पार जाने के आदेश मिल सकते हैं, जाने के आदेश मिल सकते हैं। ठीक है जी, क्या हो सकता है, आदेश मिल सकते हैं। अब इसको भैया क्या किया, भारतीय सैनिक क्या मानते थे कि समुद्र पार करना धार्मिक नीतियों के विरुद्ध है। क्या है, देशराज सिंह जी बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही ध्यान रखें। हाँ जी बिल्कुल, तो आप कहेंगे सर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब बना था, 1856 में।
किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग कहेंगे सर यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया, जिसमें सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए आदेश दिए जा सकते थे, लेकिन समुद्र पार करना भारतीयों के लिए धार्मिक नीति के खिलाफ था, भारतीयों के लिए धार्मिक नीतियों के खिलाफ हुआ करता था। किसके? धार्मिक नीतियों के खिलाफ हुआ करता था। तो आप लोग कहेंगे सर धार्मिक नीतियों के खिलाफ था। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। कि सर अब हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे इसके लिए बेटा, हम लोग बात करेंगे कि सर जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसका दमन कर लिया गया, उसके बाद भारतीय फौज को एक तरीके से नव रूप देने के लिए, इसको गठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। 1857 में जब विद्रोह का दमन कर लिया गया तो भारतीय सैनिकों को पुनः संगठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसे पील आयोग कहा गया। यहां पर मैं नोट करके लिखवा देता हूं सर, कौन सा आयोग बनाया गया था सेना को, भारतीय फौज को नवगठित करने के लिए। ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, भारतीय फौज को, किसको? भारतीय फौज को नवगठित करने के लिए। क्या करने के लिए? नवगठित करने के लिए। तो आप कहेंगे सर नवगठित करने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई। क्या बनाया गया? पील आयोग बनाया गया। ये पील आयोग 1857 में बनाया गया। कब? 1857 में। इस आयोग की सिफारिश क्या थी? इस आयोग की सिफारिश क्या थी? तो आप लोग क्या बताएंगे मुझे, आप लोग क्या बता देंगे बेटा? आप लोग कहेंगे सर इन्होंने सिफारिश दी थी कि जो सेना होगी, जो सेना, जो आज की डेट में सेना बटालियन में बटी हुई है ना, रेजिमेंट में बटी हुई थी, कि सर रेजिमेंट में जो जातियों को बांटा था वो पील आयोग ने बांटा था। आप लोग जानते तो होंगे सर रेजिमेंट बने हुए हैं, रेजिमेंटों में जो जाति रेजिमेंटों को भैया किसमें, रेजिमेंटों को जातियों में बांट दिया था। किसमें? जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सारी आप लोगों ने पढ़ा है ना। ये मुझे बता दीजिए कि ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, समुदाय और धर्म के आधार पर बांट दिया, जाति समुदाय एवं धर्म के आधार पर बांट दिया। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर बांट दिया। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जैसे कि उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं, उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं तो आप लोग कहेंगे सर उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, राजपुताना, गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। इस प्रकार भैया भारतीय सैनिकों को बांट दिया गया। तो ये इंपोर्टेंट है कि ये सारी सिफारिशें किसकी थी? तो ये पील आयोग की थी। किसकी थी? पील आयोग की। चलिए अब तत्कालिक कारण पढ़ेंगे सर, एकदम से जो कारण हुआ वो कौन सा था? चर्बी वाला कारतूस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अब हम लोग अपने आ जाते हैं टॉपिक पर। इतना आप लोग लिख रहे थे ना भैया, चलिए ये इंपोर्टेंट है कि सर इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, कि सर रेजिमेंटों को जातियों पर बांटना, समुदायों पर बांटना, धर्म के आधार पर बांटना, ये काम किया था पील आयोग ने। किसने ये काम किया था भैया? ये काम मेरे दोस्तों किया था पील आयोग ने। किसने किया ये काम? तो आप कह देंगे सर ये काम पील आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है जी। चलिए कि सर भारतीय फौज का नवगठन किया। अब मैं बात करूंगा सर आगे कि सर जो प्रमुख कारण बना, जो प्रमुख कारण था वो क्या था, प्रमुख कारण क्या था? तो आप लोग कहेंगे सर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। किसका? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। आप लोग इसको नोट करके लिखना, कारतूसों का प्रयोग। लिख रहे हैं ना मेरे साथियों? आप लोग ये बता दीजिए क्या आप लोग इसको लिख रहे हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये सिंपल सी चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें क्या हुआ कि सर दिसंबर 1856 में क्या किया जाता है, दिसंबर 1856 में पुराने लोहे की जो बंदूक हुआ करती थी उसके स्थान पर, भैया पुराने लोहे की जो बंदूक थी, आप लोग जानते होंगे पुरानी लोहे की बंदूक का नाम क्या था, लोहे की बंदूक, इसको बताइए क्या कहते थे।
आप लोगों ने नाम तो सुना है ना बंदूक, इसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर इसका नाम था ब्राउन। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, गारंटी है। ब्राउन बेस, क्या नाम हुआ करता था इसका? ब्राउन बेस के स्थान पर बेटा कौन सी बंदूक आ गई थी? स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल्स आ गई थी। कौन सी आ गई थी बेटा? न्यू इनफील्ड राइफल। आप लोग कहेंगे न्यू इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। अब बेटा इसमें क्या होता था? इसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयोग होते थे, चर्बी के कारतूस प्रयोग किए जाते थे। क्या प्रयोग किए जाते थे? चर्बी के कारतूस का इसमें प्रयोग होता था। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सर जब चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग इसमें हो रहा है तो उसका जो कारतूस का ऊपरी वाला हिस्सा होता था उसे दांत से काट कर फेंकना पड़ता था। तो ये भैया बंगाल सेना ने, जब बंगाल सेना में ये चीज फैल गई कि भैया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा है, सेना ने विद्रोह किया। लेकिन अधिकारियों के समझाने पर सेना मान गई क्योंकि जांच बेबुनियाद बताई कि चर्बी का प्रयोग नहीं है इसमें, चर्बी वगैरह का कोई प्रयोग नहीं है। तो हम यहां पर बात करते हैं भाई 1857 की क्रांति का प्रारंभ, 1857 की क्रांति का प्रारंभ। आप लोग कहेंगे क्रांति का प्रारंभ। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रारंभ। ठीक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर ये प्रारंभ कब से होता है। तो आप लोग ध्यान देना कि सर ये प्रारंभ कब से हुआ था। तो हुआ क्या भैया, हुआ क्या 29 मार्च को। कब? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, किसने? मंगल पांडे। आप लोग सभी जानते होंगे मंगल पांडे के द्वारा क्या किया जाता है। मंगल पांडे द्वारा जो इनका सीनियर अधिकारी था, ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये किसके सिपाही थे? तो आप कहेंगे सर ये 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में सैनिक थे। रेजिमेंट यहां पर लिख देता हूं, 34वीं रेजिमेंट असम राइफल की, यहां पर मैं लिख देता हूं सर, ये असम राइफल की 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, कहाँ? बैरकपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? बैरकपुर, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर में सिपाही थे। कौन थे भैया ये? सिपाही थे। ये आप लोगों ने तो लिखा होगा, कौन थे मेरे साथियों? ये सिपाही थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया, मंगल पांडे ने क्या किया, इन्होंने अपने सीनियर अधिकारी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भैया इन्होंने? लेफ्टिनेंट बाघ एवं मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। तो यहाँ पर याद रखेंगे सर, बाघ एवं जो इनका लेफ्टिनेंट था, बाघ एवं सार्जेंट हुआ करता था इनका एक सार्जेंट। तो आप लोग कहेंगे सर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। इनको गोली मार दी भैया, गोली मारी। जब गोली मारी और ये यहां से फरार हो गए। यहां पर इनको भैया कब पकड़ लिया गया? 8 अप्रैल 1829 में पकड़कर फांसी पर 8 अप्रैल 1857 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। बैरकपुर में भैया इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। ये कौन थे? तो आप कहेंगे सर प्रथम भारतीय सिपाही जिन्हें भैया फांसी हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं बच्चा, याद रखना एनसीईआरटी क्या कहता है, नोट करके लिखना कि सर जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि मंगल पांडे को उसी दिन फांसी दे दी गई थी। एनसीईआरटी जो भैया आप लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 में फांसी दी गई है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? तो यहां पर आप लोग लिखना कि सर एनसीईआरटी में क्या दिया मेरे बच्चों। तो आप लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी में दिया हुआ है मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 में ही फांसी दे दी गई थी, मैं ही फांसी दी गई थी, जो कि बेटा ये सत्य नहीं है।
फांसी कब दी गई है उन्हें, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद वैभव दीक्षित जी, धन्यवाद आपका। तो आप लोग प्लीज इसको लिखते रहिएगा सभी साथीगण अच्छे से। अजय जी धन्यवाद आपका, बस सेशन को एक बार शेयर करें कि सर किस में लिखा हुआ है कि इनको 29 मार्च 1857 में फांसी दी गई, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर 29 मार्च 1857 में फांसी की चर्चा केवल और केवल एनसीईआरटी में, जो कि सबसे बड़ी एथेंटिक बुक मानी गई है, लेकिन भैया वास्तविकता ये है कि 8 अप्रैल 1857 में ही उनको फांसी हुई थी, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए विद्रोह का विस्तार करते हैं कि सर अब ये विद्रोह कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पर स्टार्ट होता है, कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पर लिख चुके हैं उम्मीद है। चलिए मिटा दो इसको। चलिए अब मैं बात करूंगा सर विद्रोह की शुरुआत, कि सर विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन मित्र बताएंगे कि सर विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी ये कहाँ से हुई थी। तो विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 में, कहाँ से होती है, 10 मई 1857 मेरठ छावनी से, कहाँ से होती है जी 1857 में मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी में, मेरठ कैंट में जो सिपाही थे उन्होंने भैया विद्रोह कर दिया, चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया भैया तो वो विद्रोह सिपाही जो क्रांतिकारी सिपाही थे, छावनी के जो भारतीय सिपाही थे, कौन थे, जो भारतीय सिपाही थे, भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, तो आप कहेंगे सर भारतीय सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। सिपाहियों ने क्या किया भैया, इन्होंने अपने अधिकारियों पर गोलियां चला दी, क्या कर दी मेरे बच्चों, अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई। जब अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई, अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई, इसका मतलब अधिकारियों पर इन्होंने गोलियां चलाई। अंग्रेजी सेना भैया यहाँ पर भारतीय सिपाहियों को कुचलने के लिए चलने स्टार्ट करती है, चलाई। अब यहाँ पर पूछा जाता है सर जिस समय 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो आप कह सकते हैं सर मेरठ छावनी से, कहाँ से, मेरठ छावनी से। अब यहाँ पर सर इस समय मेरठ में जब इस क्रांति सैन्य छावनी ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर अधिकारी कौन था, कि सर मेरठ छावनी का जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो आप कहेंगे सर अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कौन था मेरे साथियों, जर्नल कौन था जी, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जर्नल हेविड था, कौन था, हेविड, डेविड मत लिख लेना, जर्नल हेविड है ये, कौन था, कि सर जिस समय मेरठ में ये क्रांति स्टार्ट हुई थी उस समय मेरठ छावनी का अधिकारी कौन था, तो जर्नल हेविड था, कौन था जी, जर्नल हेविट था। अब भैया ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद भैया दिल्ली की बात करते हैं कि सर दिल्ली में ये क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, कि सर दिल्ली में क्रांति, कि सर ये दिल्ली में क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो आप लोग कहेंगे सर 10 मई 1857 में एक क्रांतिकारी मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, और ये दिल्ली कब पहुंचते हैं, तो भैया 11 मई 1857 में ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहां पहुंचे, क्रांतिकारी सिपाही दिल्ली पहुंचे, कहां पहुंच गए बेटा, दिल्ली। उसके बाद क्रांति यहां पर कब शुरू हुई, तो क्रांति शुरू कब की गई, तो 12 मई यानी कि एक दिन बाद 12 मई 1857 में जो क्रांतिकारी सिपाही थे, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों के द्वारा मुगल बादशाह को पुनः भैया मुगल बादशाह घोषित कर दिया, क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह को, किसको, मुगल बादशाह को। आप लोग कहेंगे सर मुगल बादशाह कौन था, तो कौन था भैया, बहादुर शाह था, कौन था मेरे दोस्तों, बहादुर शाह को पुनः मुगल बादशाह घोषित कर दिया, को पुनः अपना बादशाह स्वीकार कर लिया। ठीक है जी, पुनः मुगल बादशाह को पुनः अपना सम्राट बनाया, क्या बनाया जी, सम्राट घोषित कर दिया, कि भैया मुगल बादशाह को सम्राट बनाया। ठीक है जी, जब सम्राट बनाया, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां थी, जो वास्तविक शक्तियां थी, वास्तव में
कौन यहाँ पर काम कर रहा था? तो वास्तविक रूप से इस क्रांति की जो बागडोर थी वो किसके हाथों में थी? तो आप लोग कहेंगे सर वास्तव में ये किसके हाथ में थी? बहादुर शाह भी कहते हैं इसको, बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूट प्रिंसी, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया बहादुर शाह, बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी सही कह रही हैं आप। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर जो वास्तविक क्रांति जो हो रही थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वास्तविक रूप से नेतृत्व किसने किया? वास्तविक रूप से नेतृत्व कौन कर रहा था दिल्ली में? तो आप कहेंगे सर वास्तविक रूप से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? आप लोग बताइए, वक्त खां था। कौन था? वक्त खां। आप लोग यहाँ पर बता देंगे किसके द्वारा मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर वक्त खां के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? वक्त खां के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बेटा क्या किया दिल्ली पर? अंग्रेजों ने क्या किया मेरे साथियों? अंग्रेजों ने दिल्ली पर सेप्टेम्बर 1857 में पुनः कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? पुनः कब्जा कर लिया। अब हुआ क्या, पुनः कब्जा करने के लिए कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे? यहाँ पर आप लोग याद रखना कि सर कौन कौन अंग्रेज अधिकारी थे। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर तीन अंग्रेजों की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। एक कौन था? तो आप कहेंगे सर एक जॉन निकोलसन था। कौन था? एक जॉन निकोलसन। कौन था मेरे दोस्तों? एक जॉन निकोलसन था। एक अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आप लोग कहेंगे सर हडसन था। कौन? हडसन। और भैया एक अधिकारी कौन था? तो आप कहेंगे सर लॉरेंस था। कौन था जी? लॉरेंस था। यानी कि इन तीन अधिकारियों को श्रेय दिया जाता है जिन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दिल्ली पर पुनः कब्जा 1857 में कर लिया। क्लियर है जी? कि सर इसमें मारा कौन गया? तो जॉन निकोलसन मारा जाता है। ये क्या होता है भैया? ये मारा गया। आप लोग कहेंगे सर जब दिल्ली पर पुनः कब्जा कर रहे थे अंग्रेज लोग तो इसमें कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने क्या किया? तो हडसन के द्वारा, यहां पर मैं बात करूंगा कि सर हडसन के द्वारा क्या किया जाता है? बहादुर शाह के दो पुत्रों को, बहादुर शाह सेकंड के, यहां पर मैं लिख देता हूं बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड ही तो था ये। ओहो, यहां पर बहादुर शाह सेकंड लिख लेना। बहादुर शाह सेकंड के दो पुत्रों को भैया ये कैद कर लेता है, पुत्रों एवं एक पोते को। पोता यह कहकर मरवा दिया कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, कि हत्या करा दी। क्या करा दी भैया? हत्या करा दी। किसने हत्या करा दी? तो आप कहेंगे सर हडसन ने हत्या करा दी थी। किसने हत्या करा दी थी? हडसन ने हत्या करा दी थी जी। अरस्तु जी नमस्कार, अरस्तु भी आ गए हमारे साथ, धन्यवाद आप लोगों का। अब हुआ क्या भैया, बहादुर शाह सेकंड को इनकी पत्नी ने पकड़वा दिया। क्या नाम था इनकी पत्नी का? तो आप लोग कहेंगे सर इनकी पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल द्वारा गिरफ्तार करा दिया गया। क्या करा दिया गया इनको? गिरफ्तार करा दिया गया, गिरफ्तार कराया गया। कैसे गिरफ्तार कराया गया? क्योंकि बहादुर शाह सेकंड कहाँ छिपा हुआ था? तो ये हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था। कहाँ पर छिपा हुआ था ये? तो आप कहेंगे सर ये हुमायूं टाउन में छिपा हुआ था। कहाँ पर? हुमायूं टाउन। ये हुमायूं टाउन में छिपा था और ये जानकारी केवल और केवल किसको थी? तो आप लोग कहेंगे सर ये जानकारी केवल उसकी पत्नी जीनत महल को थी। तो जीनत महल ने यह खबर अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह सेकंड को, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। और इसकी मृत्यु कब हो गई? तो
तो आप कहेंगे सर इसे रंगून में भेज दिया जहां पर 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए मैं सारी चीजें डिटेल में लेकर चल रहा हूं, कोई भी छोटा छोटा पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन यहां पर हो। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे बताइए क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दूं बेटा इसको? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे लखनऊ के बारे में कि सर ये आप लोग यहाँ पर सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि सर ये क्रांति कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? आप कहेंगे मेरठ छावनी से। ठीक है, नींव रख दी गई वहां, लेकिन बेटा वास्तविक स्टार्टिंग शुरुआत 1857 मेरठ छावनी, जनरल हेविड अधिकारियों पर गोली भारतीय सिपाहियों ने चलाई। उसके बाद दिल्ली में भैया ये 11 मई 1857 को पहुंचे, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 12 मई 1857 पर क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह सेकंड को अपना भैया मुगल बादशाह पुनः घोषित कर दिया। क्लियर, इतना आप लोगों ने लिख लिया। चलिए बात करते हैं लखनऊ के बारे में। किसके बारे में? लखनऊ के बारे में बात करेंगे कि सर लखनऊ में ये क्रांति स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में क्रांति जून 1857 में स्टार्ट हो गई। कब? जून 1857 में स्टार्ट हो जाती है। किसके द्वारा? हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप लोग कहेंगे सर हजरत महल, जो कि भैया बेगम थी, हजरत महल के द्वारा। ठीक है, हजरत महल के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है, इनका अन्य नाम क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर इनका अन्य नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे महक परी। क्या नाम है इनका? महक परी। कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग बिना उसके टेंशन लिए आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल, बिल्कुल बंजू कुमारी जी बहुत बढ़िया जवाब दे रही हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि सर बेगम हजरत महल ने ये स्टार्ट तो किया था, लेकिन क्या किया इन्होंने भैया, जो इनका एक पुत्र था अल्पायु पुत्र, कौन था इनका? अल्पायु पुत्र था। क्या नाम था जी उस पुत्र को? इन्होंने अपना नवाब घोषित कर दिया, जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था जी? बिरजिस कादिर, लिख लेंगे ना आप लोग बिरजिस कादिर। इंपोर्टेंट है कि सर बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। क्या कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। इंपोर्टेंट है, आप लोग यहां पर ध्यान रखना, नवाब घोषित किया और 1857 की क्रांति की शुरुआत इनके द्वारा कर दी जाती है। अब भैया लखनऊ विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया? विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया था? तो आप लोग याद रखना सर, कमिश्नर था लखनऊ का उस समय, चीफ कमिश्नर था, जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ये कमिश्नर था भैया लखनऊ का, कौन था? कमिश्नर। तो आप लोग कहेंगे कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को भेजा गया। किसको? हेनरी लॉरेंस को भेजा गया। जब ये भैया पूर्ण रूप से नहीं इसको कंट्रोल कर पाया तो उसके बाद भैया इसको, इसकी हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। हत्या की किसने? क्रांतिकारियों ने। आप लोग कहेंगे सर क्रांतिकारियों ने कमिश्नर की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? क्रांतिकारियों के द्वारा कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या हो जाती है तो भैया क्या किया जाता है? कैंपवेल को बुलाया जाता है। कैंपवेल मार्च 1857 में, कब? मार्च 1858 में भैया कौन आ जाता है? तो कैंपवेल आता है। कौन आता है मेरे साथियों? कैंपवेल आता है और ये कैंपवेल भैया इस विद्रोह को दबा लेता है। ठीक है जी, क्या करता है कैंपवेल? लखनऊ में पुनः कब्जा करता है, लखनऊ को पुनः अपने कंट्रोल में ले लेता है, पुनः अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, लिख रहे हैं ना आप लोग, अपने कब्जे में ले लेता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि किसने बेटा विद्रोह को दबाया था, कि मार्च 1858 में कैंपवेल को यहां पर बुलाया गया, कि सर इसमें और कौन मारा गया था? जब तात्या टोपे, यहां पर याद रखना सर लखनऊ में ही तात्या टोपे ने कहां पर कब्जा किया था? तो आप कहेंगे सर तात्या टोपे,
तात्या टोपे ने भैया चिन्हट पे कब्जा कर लिया। चिन्हट पड़ता है अमौसी एयरपोर्ट से पहले। चिन्हट कहाँ पड़ता है? तो अमौसी एयरपोर्ट से पहले पड़ता है चिन्हट। ठीक है, चलिए जहां भी पड़ता है लखनऊ में पड़ता है फिलहाल, है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे कि सर ये चिन्हट जो है चिन्हट में किसने किया था। तो आप कहेंगे सर चिन्हट में तात्या टोपे ने अंग्रेजी सेना को हराया था। चिन्हट में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। किसको? अंग्रेजी सेना को हराया। ठीक है जी, अंग्रेजी सेना को हराया, ये आप लोग लिख रहे हैं। सर चिन्हट में अंग्रेजी सेना को पराजित किया गया और भैया उसके बाद यहाँ पर कौन कौन मारे गए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर किस किस की मृत्यु हो गई थी? यहाँ पर सर हैवलॉक मारा गया। कौन मारा गया? यहाँ पर हैवलॉक मारा जाता है। कौन मारा जाता है मेरे साथियों? तो आप लोग कहेंगे सर हैवलॉक और भैया उसके बाद कर्नल नील मारा गया। तो सर यहाँ पर हैवलॉक कर्नल नील मारा जाता है, नील को मार दिया गया। ठीक है, क्रांतिकारियों के द्वारा इनको मार दिया गया। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, महक परी बेगम हजरत महल सही आप लोगों के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको लिखते रहिएगा, ये अच्छे अच्छे से आप लोग लिखते रहिए था कहाँ पर किसने विद्रोह किया था। तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में किया गया, इनका साथ तात्या टोपे ने दिया चिन्हट में। जब चिन्हट में अंग्रेजी सेना को हराया तो इस दौरान हैवलॉक और कर्नल नील मारे गए। क्लियर है, आगे बात करें। कानपुर पर चलते हैं कि सर कानपुर में ये विद्रोह कब हुआ। कानपुर की बात करेंगे कि सर कानपुर में आप लोग ध्यान रखना, कानपुर की बात चलते हैं कि सर कानपुर में यह विद्रोह कब हुआ था। तो ये कानपुर में विद्रोह 5 जून, मैक्सिमम जो है जून में ही हुआ हर जगह, 5 जून 1857 में ये विद्रोह होता है। ठीक है, कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर विद्रोह किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं बाजीराव पेशवा द्वितीय के एक दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे, जिनका नाम था नाना साहब। यहाँ पर पेशवा के किसके, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, आप लोग याद रखना सर, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र क्या नाम था जी दत्तक पुत्र का? उनका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब के द्वारा। किसके द्वारा? नाना साहब द्वारा ये विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? नाना साहब के द्वारा ये विद्रोह किया गया। नाना साहब का नाम क्या है आप लोग जानते होंगे सर, इन्हें धौंदू पंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धौंदू पंत कहा जाता है। कि सर नाना साहब का नाम है धौंदू पंत, इन्होंने ये विद्रोह किया था। इनकी सहायता किसने की थी? नाना साहब की सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने। किसने की थी? तात्या टोपे। अच्छा, तात्या टोपे मैं नाम लिख रहा हूं बार बार, आप इनका नाम जानते हैं? रामचंद्र पांडुरंग राव। क्या नाम है भैया इनका? रामचंद्र पांडुरंग राव, इनका पूरा नाम है। हर जगह पांडुरंग लिखा रहता, राव नहीं लिखा होता। इन्होंने भैया सहायता की। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद इसको किसने इसको भैया दबाया था, इसका दमन किसने किया था? 1857 दिसंबर 1857 में कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा? कैंपबेल के द्वारा इसको दमन कर लिया जाता है। कि सर कानपुर में किस अंग्रेज अधिकारी ने इसका दमन किया था? तो कैंपबेल द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कैंपबेल द्वारा विद्रोह का दमन कर लिया गया। क्या कर लिया गया जी? दमन कर लिया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसका याद रखेंगे सर, कैंपबेल के द्वारा दमन कर लिया गया। और नाना साहब भैया यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले गए थे ये? नेपाल चले गए। कहाँ चले गए अंत में? ये नेपाल चले गए। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा इतना, नहीं लिखा क्या मुझे बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इतना आप लोगों ने लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको लिखते रहिए। अभी हम बात करेंगे झांसी के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे सर, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर कानपुर में कब स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग क्या बता रहे हैं कि सर ये कानपुर में कब स्टार्ट हुआ? तो आप लोग कहेंगे सर कानपुर में स्टार्ट हुआ 5 जून को। किसने किया था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनके द्वारा। सहायता किसने की थी? सहायता की थी भैया तात्या टोपे ने।
किसने सहायता की? तात्या टोपे ने। नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। किसने इस विद्रोह को दबाया? कब? दिसंबर 1857 में कैंपवेल के द्वारा इसको दबा दिया गया। चलिए झांसी की बात करते हैं कि सर झांसी में ये विद्रोह कब हुआ था? तो झांसी में भी ये विद्रोह बेटा जून 1857 में हुआ। कब हुआ? जून 1857 में ये विद्रोह होता है। किसके द्वारा ये विद्रोह हुआ था? तो आप लोग क्या बताएंगे सर, यह विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? तो आप लोग क्या बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है झांसी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर झांसी में और किसने किया था? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, आप लोग कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यह विद्रोह किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, क्लियर है जी? किसके द्वारा किया गया था? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। अब भैया यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने रानी को पराजित किया था? अंग्रेज चलिए क्या अभी आप लोगों को क्लास मेरी दिख रही है? चलिए क्या अभी मेरी आप लोगों को क्लास दिख रही है? बहुत बढ़िया, दिख रही होगी। नेटवर्क चला गया था बीच में, लाइट चली गई थी, अभी लाइट जस्ट आ गई। तो हम लोग कह पढ़ रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि सर झांसी में कब हुआ? जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। बेटा हुआ क्या, रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित कर दिया था? यूरोज ने, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। क्या था? अंग्रेज अधिकारी था। तो आप लोग कहेंगे सर अंग्रेज अधिकारी से पराजित होकर रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली जाती हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई मेरे साथियों, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली जाती हैं? ये ग्वालियर आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ग्वालियर आ जाती हैं, याद रखना बेटा। कहाँ चली गई? ग्वालियर चली जाती हैं। और ग्वालियर किससे मिली थी ये? ग्वालियर जाकर तात्या टोपे से मिली। किससे मिली? तात्या टोपे से मिलती हैं, ठीक है? तात्या टोपे से मिली। कहाँ चली गई बेटा ये? ग्वालियर। किससे मिली थी? तात्या टोपे से। ड्रीम यूपीएससी जी, सचिन जी, धन्यवाद। तो आप लोग बेटा नोट्स बनाते रहिएगा, बिल्कुल मैं डिटेल में लेकर चल रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे सर ह्यूरोज के द्वारा पराजित कर दिया गया, ये पराजित होने के बाद ये ग्वालियर चली गई और वहां पर भैया वहां पर ये सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर में भैया ये वीर गति को प्राप्त हुई, वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है? याद रखना कि सर ग्वालियर में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है? मणिकड़ी का एक मूवी भी आई है कंगना रनौत की, इनके ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। यहाँ पर उसके बाद भैया क्या किया गया, सिंधिया ने विश्वासघात किया। जो सिंधिया राज परिवार है ना, ये बहुत ही मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों का चमचा था। सिंधिया राज परिवार हमेशा अंग्रेजों का चमचा रहा। सिंधिया की मर्जी के बिना भी तात्या टोपे ने यह विद्रोह जारी रखा। किसने बेटा? तात्या टोपे ने यह विद्रोह जारी रखा, आप लोग कह सकते हैं सर तात्या टोपे द्वारा विद्रोह जारी रहा, ठीक है जी? आप लोग कहेंगे सर यह विद्रोह जारी रहा, ठीक है? लेकिन हुआ क्या, तात्या टोपे का एक मित्र हुआ करता था, हमेशा धोखा मित्रों ने दिया है, तो आप लोग जरा संभल सोच समझ कर मित्र बनाना। इनका एक मित्र हुआ करता था विश्वासघाती, जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था जी इनके मित्र का? मान सिंह द्वारा पकड़वा दिया गया तात्या टोपे को। मित्र मान सिंह द्वारा पकड़वाया गया, क्या किया गया? पकड़वाया गया। तो आप लोग कहेंगे सर किसने पकड़वाया था? तो इनके मित्र ने पकड़वाया। और तात्या टोपे को भैया कब? 1859 में ग्वालियर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा इनको ग्वालियर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है जी? समझ रहे हैं आप मेरी बात कि सर फैजाबाद में फिर ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? फैजाबाद में। आप लोग याद रखेंगे सर फैजाबाद में यह आंदोलन किसने किया था? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखवा देता हूं कि सर फैजाबाद में किसने किया था? अहमदुल्ला ने। किसने बेटा? अहमदुल्ला द्वारा फैजाबाद में ये विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? फैजाबाद में अहमदुल्ला के द्वारा, ठीक है? लिख लिया इतना भी, बिहार बताता हूँ, इलाहाबाद, बरेली,
अभी तो बहुत सारी जगहों के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, सारी चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगा। आप बेफिक्र होके बस नोट्स बनाते रहिए, बेफिक्र होके अपने अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख रहे हैं इसको, जिसने नहीं लिखा है प्लीज लिख लीजिए, प्लीज आप लोग इनको लिख लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओ, ये तो इतना ही रहेगा क्या, ये नहीं मिटेगा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर बिहार के बारे में, कि सर बिहार में ये आंदोलन किसने किया था। तो आप कहेंगे सर बिहार में ये आंदोलन किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह। और ये कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो आप कहेंगे सर कुंवर सिंह ने यह विद्रोह वास्तव में जगदीशपुर में किया था। कहाँ पर? जगदीशपुर। और ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो ये जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। और इनकी मृत्यु के बाद, इनके बाद भैया कुंवर सिंह के बाद ये विद्रोह किसने किया था? इनके भाई थे, कुंवर सिंह के भाई थे, जिनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह के द्वारा ये विद्रोह किया गया। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। लिख रहे हैं आप लोग, बताइए जल्दी जल्दी से सारी चीजें आप लोग लिख रहे हैं कि सर फैजाबाद में किसने विद्रोह को दबाया था? तो कैंपबेल के द्वारा। फैजाबाद वाले में लिख लेना कि सर फैजाबाद में किसने, कौन सा अंग्रेज था जिसने विद्रोह को दबाया था? तो कैंपबेल था। लिख लेना बेटा, कौन था? कैंपबेल था, जिसने फैजाबाद विद्रोह को दबाया था। कि सर बिहार में इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? सर बिहार में इस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? टेलर और विसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? टेलर और विसेंट द्वारा। टेलर एवं विसेंट द्वारा इस विद्रोह का दमन कर लिया गया, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इलाहाबाद के बारे में। क्यूट जी धन्यवाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में सर ये विद्रोह किसने किया था? तो आप लोग कहेंगे सर इलाहाबाद जून 1857 में प्रारंभ हुआ था, और यहाँ पर मौलवी लियाकत अली के द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली के द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। कि सर यहाँ पर दमन किसने किया इस विद्रोह का? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दमन किया था लॉर्ड कैनिंग ने, जनरल नील को भेजा था। अब आप कहेंगे सर जनरल नील तो मारा गया, लेकिन 1858 में मारा गया था ना, जनरल नील ने भैया दमन कर दिया था। किसने? नील ने दमन कर दिया, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तबीयत खराब मत करो बेटा, रेस्ट कर लो, चाहो तो आप रेस्ट कर लो, एक दो दिन अभी क्लास मत लो, रेस्ट करो, लेकिन तबीयत जरूर सही रखो। तबीयत सही रखना बहुत जरूरी है। जनरल नील के द्वारा भैया यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया गया। आगे बात करूंगा बरेली के बारे में, आगे बात करूंगा सर बरेली के बारे में। बरेली में बेटा अगर यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे सर बरेली में किसने किया था? तो बहादुर, खान बहादुर के द्वारा। किसके द्वारा? खान बहादुर के द्वारा। देखिए खान बहादुर द्वारा भैया विद्रोह किया जाता है, विद्रोह कर लिया जाता है, और खान बहादुर स्वयं को अपना नवाब घोषित कर देते हैं। लेकिन इसका दमन किसने किया? इस विद्रोह का दमन भी कैंपबेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैंपबेल के द्वारा इसका दमन कर लिया गया, ठीक है। इनको भैया फांसी दे दी गई, इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। राजस्थान की बात करें कि सर राजस्थान में ये विद्रोह किसने किया था? तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो मेन रूप में ये कोटा में हुआ था। ये कहां पर विद्रोह हुआ था? कोटा में। और कोटा में भैया प्रमुख केंद्र था जिनके दो, यहां पर कौन कौन कर रहे थे? तो आप लोग कहेंगे सर जयदयाल के द्वारा। किसके द्वारा यह विद्रोह हुआ था? जयदयाल, जयदयाल। और भैया कौन थे यहां पर लिख रहा हूं, जयदयाल एवं किसके द्वारा? बहुत लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा ये, हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? हरदयाल के द्वारा। क्लियर है? आप लोग लिख रहे हैं मेरे बच्चों, आप लोग इसको लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सर असम की बात करें कि सर असम में यह विद्रोह किसने किया था? तो मणिराम दत्त ने। किसने भैया? मणिराम दत्त, ठीक है जी। मणिराम दत्त के द्वारा यह विद्रोह किया गया। मणिराम दत्त के पोते थे भैया, मणिराम दत्त के पोते थे मणिराम दत्त ने तो किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद वहां के अंतिम राजा थे जिनका नाम था कंदेश्वर सिंघा,
उनके बाद भैया ये विद्रोह किया जाने लगा और इनको पकड़ लिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन्हें कलकत्ता लाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहाँ? कलकत्ता लाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी बात करेंगे सर उड़ीसा की। उड़ीसा में किसने किया था? मैंने बहुत डिटेल में कराया है ये, तो आप लोग बेफिक्र होके करते रहिएगा कि सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुरेंद्र साई ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। किसने? सुरेंद्र साई के द्वारा। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र साई ने भैया 1862 में आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया बेटा? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है जी, समर्पण कर दिया। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से लिख लेना। ठीक है, चलिए मैं इसके बात करूंगा सर यहां पर प्रभाव क्या पढ़ा। इसका प्रभाव क्या पढ़ा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? अभी आगे बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज ही इसको खत्म कर लेते हैं। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं कुछ किताबें हैं उसके बारे में, कुछ किताबों की जानकारी है, या इसके कुछ प्रभाव मैं किसी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, है ना। अभी आपकी दूसरी क्लास भी होने वाली होगी, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मेरी स्पेशल क्लास एप्लीकेशन पर, मेरी स्पेशल क्लास है आज एप्लीकेशन पर, स्पेशल क्लास है एप्लीकेशन पे 2 PM पर, 2 PM, 7 PM एंड 9 PM। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन पर क्लासेज होंगी, ऐप पर क्लासेज होंगी, आप लोग जरूर आना। और 6 PM पर आप लोगों के लिए पॉलिटी होगी, जिसमें चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी आयोग बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग भैया जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार शेयर करिएगा, और जो आज लाइव रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा।